ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। जी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस दलितों पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है। साथ ही यह भी कहा है कि कांग्रेस का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह में सत्ता में आए और अपना तालिबानी एजेंडा लागू करे। सपा की पारंपरिक सीट कन्नौज से अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने एक दिन पहले लिए गए फैसले को बदल दिया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बुधवार को कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा है कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का फैसला किया है। पूर्वांचल में लगभग 20 ऐसे चेहरे हैं, नए चेहरे या यूं कहें कि फास्ट टाइमर को मौका देने के में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कांग्रेस इस बार 40 सीटें भी नहीं प्राप्त कर पाएगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के विरोधी चेहरे को उजागर कर दिया है।